काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणव शीलम तनींद्रचार्याणाम प्रणमामि महोमः। यदमृतो जंतुहा सर्वदुखातिगो भवे तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम। अज्ञानतिमिराघास ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय शेषे लीलाचिरदेशेन लक्ष्मीसहस्रलीलाम्भिः सैभिमानं कलानिभिः। चतुरभीष्वत्रिविस्तव षड्जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः। बोलमहं कालराजा नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान शिव
जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा से मेड़तवाल परिवार में इस पावन कथा को लाभान्वित करने का सौभाग्य मिला है। श्री राजेश जी, श्रीमती साधना जी मेड़तवाल, जो कथा के मुख्य मनोरथी, मुख्य यजमान के पद ग्रहण कर रहे हैं। शंकर की करुणा होती है तब जाकर कोई एक शुभ कार्य अपने जीवन में अपन कर पाते हैं। और भूत भावन भूतेश्वर शंकर करुणा करे तब जीवन का कोई सुख, जीवन का कोई लाभ हमारे जीवन में हम ले पाते हैं। जन्म मरण के इस रात दिन की चक्की में जो पीसे जा रहे हैं, दिनों रात की ये चक्की प्रतिदिन चल रही है, रोज, और उस चक्की में एक दाने की तरह अपन फंसे हुए हैं। कबीरदास जी का शायद वो प्रसंग बड़ा सुंदर है कि कबीरा आज अपनी कुटिया में बहुत तेज रो रहे थे और थोड़ी देर बाद कबीरदास बहुत तेज हंस भी रहे थे। बहुत तेज रो भी रहे हैं और बहुत तेज हंस भी रहे हैं। तो कबीरा से पूछा गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर, भैया कबीरदास तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी तेज रो भी रहे हो और इतनी तेज हंस भी रहे हो, ये रोने और हंसने का कारण क्या है? क्यों इतने रो रहे हो, कितने क्यों हंस रहे हो, उसका कारण क्या है? तब कबीरदास जी कहते हैं, आज मेरे रोने और हंसने का केवल एक कारण है कि मैंने जिंदगी में आज चलती हुई चक्की देख ली। गांव के लोगों ने माथा ठोका, इसके बराबर कोई मूर्ख मिलने वाला नहीं। अरे तूने जिंदगी में कभी चक्की नहीं देखी थी क्या? देखी थी, पर आज जो देखी वैसी कभी नहीं देखी। तो आज क्या तूने ऐसा चक्की में देख लिया जो तू इतना रो रहा है और हंस रहा है? कबीरदास जी कहते हैं, मैंने जो चक्की देखी है उसकी तरह आज तक मैंने जिंदगी में कोई चक्की नहीं देखी। और देखो, ज्ञान किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी वक्त प्रकट हो सकता है, किसी भी समय। उसका कोई समय नहीं है कि इतनी बजे ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप चाहे जिंदगी भर पोथी लेकर बैठे रहो, आप जिंदगी भर पाठ करते रहो, स्मरण करते रहो, पर भगवत भजन की जब ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के नेत्र जब परमात्मा खोलेगा तब जाकर कुछ प्राप्ति का केंद्र बिंदु बन सकता है। महाराज, जब तक परमात्मा उस नेत्र को ना खोले तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्ति का साधन, प्राप्ति का बिंदु वो स्वयं प्रकट करता है स्वतः।
आज जैसी चक्की मैंने नहीं देखी, तो क्या देखा चक्की में? कि चलती चक्की देख कर, अरे दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा ना। कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे रोने का केवल इतना सा कारण है कि संसार की इस चक्की में, दिन और रात की इस चक्की में मनुष्य फंसा हुआ, इसमें पिसा रहा। चक्की दिन रात चल रही, उसमें पिसाते जा रहा। सबको प्राणों को त्यागना है, सबको मरना है, सबका अंतिम समय आना है, और यही दिन रात में, कोई दूसरा समय नहीं आएगा, यही दिन रात। फिर तो भैया हंस क्यों रहा है? इसमें तो व्यक्ति को रोना चाहिए माना, पर हंसने का कारण क्या है? तो कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर, अरे दिया कबीरा हंस, एक किले के पास में दाने रह गए फस। महाराज, कबीरदास जी कह रहे हैं मुझे हंसने का केवल इतना सा कारण है कि चक्की के बीच में कीला लगा हुआ है, एक बीच में कीला है, उस कीले के पास में जो दाने चले गए हैं वो चक्की के दोनों पाटे के बीच में आते ही नहीं, वो फंस कर पिसते ही नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं मुस्कुराने की बात इतनी सी है कि जो उस शिव रूपी कीले के पास पहुंच गया, जो उस राम उस कृष्ण रूपी कीले के पास पहुंच गया, शंकर के स्मरण में जो पहुंच गया, वो फंस गया, और फंसने के बाद फिर उसको पिसाना नहीं है, वो बचकर निकल जाना है, बचकर निकल। उससे बचने का मूल कारण, उससे बचने का मूल कीर्ति भगवान का भजन है, भगवत चरणारविंद। और उससे बचिए, कभी प्रयास करना कि भगवान से कहना कभी हमारा नाम भी आपके नाम के साथ जुड़े, ऐसी कृपा करना। जैसे गिरधर मीरा के हैं, मीरा गिरधर की है, जगन्नाथ कर्मा के हैं, कर्मा जगन्नाथ की है, नामदेव हरि विठ्ठल के हैं, विठ्ठल हर नामदेव के हैं, तुकाराम विठ्ठल के हैं, विठ्ठल तुकाराम के हैं, रामकृष्ण परमहंस जगज्जननी जगदम्बा माँ कालका के हैं, माँ कालका रामकृष्ण परमहंस की है, हरिदास बिहारी जी के हैं, बिहारी जी हरिदास, वल्लभ श्री जी के हैं, श्री जी वल्लभ के। ऐसी कोई कृपा हमारे जीवन में भी हो। मौर्या गणेश के हैं, गणेश मौर्या के हैं, कोई ऐसा कृपा हो जाए कि हम आपके हो जाएं और आप हमारे हो जाएं। कितना प्रेम से अपन सब लोग बोलते हैं गणपति बब्बा, जम के तो बोलो गणपति बब्बा मौर्या। मौर्या का मतलब क्या है भाई? कौन था ये मौर्या? कर्नाटक के एक सालिग्राम गांव में एक मौर्या, एक भगत रहता था मौर्या गोस्वामी, जिसका नाम था मौर्या गोस्वामी, भगत है वो, और कर्नाटक के सालिग्राम गांव में निवास करता है। साधारण सा भगत, बिल्कुल सहज सा, और अपनी गृहस्थी में अलमस्त रहता, भगवत भजन में डूबा रहता, भगवान के चरणारविंद का अनुमोदन करता, शिव की उपासना में 24 घंटे लगा रहता, शिव की उपासना, और
दूसरा लक्ष्य उसको आता ही नहीं था, कोई दूसरी शरणागति में वो गया ही नहीं था और कोई दूसरी जगह जाने का उसका मन भी नहीं करता था कि कहां जाए। वो गोस्वामी मौर्या गोस्वामी बस भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, भगवत भजन में डूबा हुआ, शंकर की आराधना में डूबा हुआ। तो एक बार भगवान शंकर वहीं पर उसको सम्मुख में प्रकट हुए और उसको दर्शन दिए, भगवान शिव। मौर्या गोस्वामी, ए मौर्या गोस्वामी, पर मौर्य गोस्वामी तो किसी को देखने को तैयार नहीं थे, वो अपनी मस्ती में डूबे हुए थे, किसी को नहीं देखा। शंकर भगवान स्वयं आए तो भी नहीं देखा, तो भी नहीं। जैसे पौंडलिक के दरवाजे पर हरि विट्ठल आए तो पौंडलिक ने भगवान को अंदर नहीं आने दिया, घर के बाहर दरवाजे पर वहीं खड़े रहो। तो भगवान बोले, पौंडलिक तेरे घर के बाहर कीचड़ बहुत सारा है, कैसे खड़े रहूं, पांव मेरे पूरे गीले हो रहे हैं। पौंडलिक ने खटिया के नीचे से ईंट उठा के बाहर फेंक दी, इस पे खड़ा हो जा। भगवान विष्णु उस ईंट के ऊपर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े रहे। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, तब पौंडलिक ने जब दरवाजे खोले तो हरि विट्ठल को, भगवान विष्णु को देखा। देखकर पूछा, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, मैंने आवाज तो लगाई थी, पर तू कह रहा था मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब तक सेवा पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आऊंगा नहीं, इसलिए मेरे ईंट फेंकी तूने, उस पे मैं खड़ा हूं। प्रभु बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे कमर पे हाथ रखे हो, क्या चाहता है? पौंडलिक कहता है, बस प्रभु जैसे आज मेरे इंतजार में आप मेरे दरवाजे पर कमर पर हाथ रख के खड़े हुए हो, इस दर्शन को भगत के इंतजार में जिंदगी भर खड़े रहना, जिंदगी भर। और वो हरि विट्ठल पौंडलिक के कहने पर वो भगवान विष्णु पंडरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर दोनों हाथ कमर पर रखकर आज भी खड़ा हुआ है अपने भक्तों के इंतजार में।